हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम अश्विनी गर्ग ऑन बिहाफ ऑफ सूरत सीनियर सेकेंडरी स्कूल। टुडे आई विल टीच यू द टॉपिक ऑफ द क्लास 12। सब्जेक्ट इज बिजनेस स्टडीज एंड द टॉपिक ऑफ क्लास इज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट रेफर टू डेट मार्केट इन विच द शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आर डीलिंग। मीन्स कोई भी सिक्योरिटी जो आपकी वन ईयर के लिए बाइंग एंड सेलिंग हो, उन सिक्योरिटीज को जिस मार्केट में डील किया जाता है उस मार्केट को हम मनी मार्केट करते हैं। तो मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट हैं, इन इंस्ट्रूमेंट्स को 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन है आपका ट्रेजरी बिल, सेकेंड वन है आपका कमर्शियल पेपर, थर्ड वन है आपका कॉल लोन, फोर्थ वन है आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और फिफ्थ वन है आपका कॉमर्शियल बिल। ये आपके मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। मींस ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो आपकी डीलिंग फॉर मैक्सिमम टाइम पीरियड इज वन ईयर, एक साल के अंदर जो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, उन इंस्ट्रूमेंट को हम मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। क्योंकि मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर उस सिक्योरिटीज में डीलिंग की जाती है जो वन ईयर के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो ये हाईली लिक्विड होते हैं, इनको इश्यू करने का राइट अलग अलग पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के पास है। तो इन सभी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ट्रेजरी बिल, और उसके बाद कमर्शियल पेपर है। सीबीएसई बोर्ड में सबसे ज्यादा केस स्टडीज बनने के चांसेस इन्हीं के ऊपर है, या डायरेक्टली आने के चांसेस भी इन दोनों के हैं। लेकिन वैसे हम 5 के 5 इंस्ट्रूमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट मान के चलते हैं। टुडे आई डिस्कस ऑल द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, आई होप इट विल एक्सप्लेन बाय मी। द फर्स्ट वन इज द ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ये शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, क्यों? क्योंकि इसका जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो वन ईयर है, ये वन ईयर के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। द ट्रेजरी बिल इज इश्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द जनरल पब्लिक और अदर इंस्टीट्यूशंस फॉर इनवाइटिंग मनी। मनी को इनवाइट करने के लिए आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन्हें जनरल पब्लिक को या अदर इंस्टीट्यूशन को इश्यू किया जाता है मनी को कलेक्ट करने के लिए। इसके साथ साथ इनका जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होगा, मैक्सिमम टाइम पीरियड इनका होगा वन ईयर। सेंट्रल गवर्नमेंट की बिहाफ पर इसे इश्यू कौन करता है? आरबीआई। कहने का मतलब आपका जो ट्रेजरी बिल है एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, वन ईयर के अंदर ये कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यू करती है जनरल पब्लिक को या किसी अदर इंस्टीट्यूशन को मनी को इन्वाइट करने के लिए। इनका जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो वन ईयर है। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर इश्यू कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राइट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जनरल पब्लिक को या अदर इंस्टीट्यूशन को मनी के लिए इनवाइट नहीं करती। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो मार्केट में ट्रेजरी बिल को इश्यू करेंगे, और उस ट्रेजरी बिल के बिहाफ पर जनरल पब्लिक से मनी को इन्वाइट किया जाता है, कलेक्ट की जाएगी। इसके साथ साथ आपका जो ट्रेजरी बिल है, इसका जो टाइम पीरियड है मेनली वो 14 डेज, 91 डेज, 182 डेज, या ये कह सकते हैं 364 डेज। ये आपके मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो आपके यूज किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई बोर्ड 12th सिलेबस। 14 डेज ऑफ द ट्रेजरी बिल्स आर इंक्लूड, बट नाउ आर टाइम द 14 डेज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आर ट्रेजरी बिल आर नॉट इश्यूड, द टाइम पीरियड इज 273 डेज। बट यू कंसिडर 14 डेज, 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज।
द ट्रेजरी बिल आर डेट टाइप ऑफ द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट विच आर हाईली लिक्विड इन नेचर. ये बहुत ज्यादा लिक्विड है नेचर में, इनको कभी भी आप कैश में कन्वर्ट करना चाहो तो आरबीआई एवर रेडी टू बाय देम. आरबीआई इन्हें हमेशा खरीदने के लिए तैयार है, आपकी पेमेंट कर देगा. दूसरी बात, इश्यू करने का राइट तो आरबीआई के पास है, मीन सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर रिजर्व बैंक इश्यू करता है, लेकिन इनको परचेज कौन करता है, खरीदता कौन है? परचेज करने का जो राइट है वो खरीदते हैं आपकी कोई भी पर्टिकुलर बैंक है, कॉमर्शियल बैंक, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कह सकते हो आप, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और भी बहुत सारे हैं जो इनको परचेज करते हैं. तो कहने का मतलब, ट्रेजरी बिल एक ऐसा मनी मार्केट शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है जिसको इशू करने का राइट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, बट RBI जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की बिहाफ से जनरल पब्लिक को इशू करता है. इसका जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड आपका कितना रहेगा, वो आपका टाइम पीरियड जो है मेनली वो टाइम पीरियड 14 डेज, 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज रहेगा. इसके साथ साथ ये हाईली लिक्विड है नेचर में. कहने का मतलब, जो आपका ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है ट्रेजरी बिल, हाईली लिक्विड नेचर में. कहने का मतलब RBI इसको हमेशा परचेज करने के लिए तैयार रहता है. और इनको परचेज कौन करता है, कॉमर्शियल बैंक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, या LIC है, GIC है, ये इनको परचेज करती है. तो ये ट्रेजरी बिल के बारे में आपका इंट्रोडक्शन था. इसके साथ साथ आपका जो ट्रेजरी बिल है इसके बारे में और भी डिटेल है कि ट्रेजरी बिल जो है वो मार्केट में इशू तो किया जाता है, लेकिन इसको हम इशू करते हैं उसमें किसी भी टाइप का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, ये हमेशा डिस्काउंट पे इशू किया जाता है. मींस कभी भी ट्रेजरी बिल को मार्केट में इशू करते हो तो ट्रेजरी बिल को मार्केट में इशू करने के लिए जो इसका इशूड प्राइस है और इसका जो पेमेंट प्राइस है उसमें डिफरेंस होगा, और इश्यूड प्राइस और पेमेंट प्राइस में जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हम डिस्काउंट बोलते हैं, ना कि इंटरेस्ट बोलते हैं. इसलिए इसी को हम जीरो कूपन बॉन्ड का नाम भी दे सकते हैं. जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब, इट रेफर टू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इट रेफर टू द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर विच इट इज इश्यूड ऑन डिस्काउंट, नो एनी टाइप ऑफ द इंटरेस्ट इज पेड ऑन इट. कहने का मतलब, कोई भी इन्वेस्टर है, उन्हें ट्रेजरी बिल परचेज करने हैं तो उसके लिए उन्हें मार्केट में इशू किया जाएगा ऑन द डिस्काउंट. जो भी आपकी इंटरेस्ट रेट होगी या जो भी आपकी कह सकते हो डिस्काउंट रेट होगी, कम से कम उनको जो है टेंडर दे दिया जाएगा, वो पर्टिकुलर पर्सन उसको खरीद लेगा. इशू प्राइस और उसकी पेमेंट में जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हम डिस्काउंट का नाम देंगे, ना कि इंटरेस्ट का. ये हमेशा डिस्काउंट पे इशू होता है, इंटरेस्ट पे इशू नहीं होता, इसीलिए इसको जीरो कूपन बॉन्ड का नाम भी लिया जाता है. अब जो आपकी ट्रेजरी बिल है, इस ट्रेजरी बिल की जो भी आपकी डीलिंग प्रोसेस है, उस डीलिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे. ट्रेजरी बिल जो इशू किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिटरमाइंड या प्री फिक्स कह सकते हो आप, प्रीफिक्स रेट, और सेकंड वन है आपका रेट ऑफ डिस्काउंट डिटरमाइंड ऑन द ऑक्शन या एट द टाइम ऑफ द ऑक्शन. तो आपका जो फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीफिक्स रेट. इस केस में क्या होता है, कभी भी कोई ट्रेजरी बिल इशू किया जाता है तो उस ट्रेजरी बिल की डिस्काउंट की रेट पहले से ही फिक्स है. फॉर RBI ने 1 लाख रुपीज के लिए ट्रेजरी बिल इशू किया है तो ये ट्रेजरी बिल इशू करने के टाइम ही इशू प्राइस जो है वो 95,000 में इशू किया गया है. 95,000 में इसको इशू कर दिया गया है. जिस भी पर्टिकुलर पर्सन ने RBI को 95,000 रुपीज दिए है वो RBI के लिए क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया फॉर द 91 डेज के लिए ट्रेजरी बिल इशू किया गया है. अब जो एक पर्टिकुलर पर्सन जिसने RBI को 95,000 रुपीज जो है उधार दिए थे, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 91 डेज RBI विल पे 1 लाख टू द क्रेडिटर.
उसका इश्यू प्राइस तो कितना था, 95,000, और उसको पे कितने करने आरबीआई को, 1 लाख। तो इश्यू प्राइस और पेमेंट प्राइस में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना है, 5,000। वो प्रीफिक्स रेट है, पहले से फिक्स कर रखा है कि क्या डिस्काउंट की रेट होगी, तो 5,000 रुपीज जो है उसको हम डिस्काउंट का नाम देते हैं। तो इस तरह से आपका जो है ट्रेजरी बिल जो है वो इशू होगा। ये फर्स्ट प्रोसेस थी, फर्स्ट मेथड था। सेकेंड वन आपका जो डीलिंग प्रोसेस है वो ये है, रेट ऑफ डिस्काउंट डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ द ऑक्शन। ऑक्शन आप जानते हो किसी भी टाइप से मार्केट में नीलामी होती है, उसके बेस पर आपका रेट ऑफ डिस्काउंट जो है वो फिक्स किया जाएगा। अब आरबीआई क्या करता है, जनरल पब्लिक से टेंडर्स को इनवाइट करने के लिए न्यूज़पेपर में ट्रेजरी बिल को इशू की एड कैलकुलेट कर देगा, इशू कर देगा। इसके बेस पर आरबीआई में अलग अलग टेंडर आएंगे फॉर द परचेजिंग ऑफ द ट्रेजरी बिल। आगे सभी के टेंडर्स को एक्सेप्ट कर लेगा, सभी के एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेगा, इनवाइट कर लेगा। एक पर्टिकुलर डेट को, फिक्स डेट को इस टेंडर को ओपन किया जाता है, और उस पर्टिकुलर टेंडर को उस पार्टी के इंटरेस्ट में प्रोवाइड किया जाएगा जिसकी रेट ऑफ डिस्काउंट सबसे कम होगी। मींस जिस पर्टिकुलर पार्टी ने मिनिमम डिस्काउंट के ऊपर ट्रेजरी बिल को परचेज करने के लिए बिड लगाई होगी, ये टेंडर जो है उस पर्टिकुलर पार्टी के नाम जो है रजिस्टर्ड हो जाएगा। जैसे हमने यह एग्जांपल 1 लाख रुपीज का लिया था, तो एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसने ये कहा गया है 89,000, अलग अलग बिड आएगी कि हम 89,000 देंगे फॉर द 365 डेज, और 364 मान लीजिए 364 डेज, और जैसे 364 कंप्लीट होगी तो हमें आगे 1 लाख देगा। ऐसे ही कुछ पर्सन है, उन्होंने 93,000 की बिड लगा दी कि 93,000 रुपीज हम आज पे कर देंगे, हमें 364 के बाद 1 लाख रुपीज मिलते हैं। इसी तरह एक पर्सन है जिसने बिड लगा दी है 96,000 की, वो आरबीआई को आज 96,000 की पेमेंट करेगा, आरबीआई जो है 364 के बाद उसे 1 लाख देगी। तो ये सबसे कम बिड है, क्योंकि यहाँ पर 4,000 का डिस्काउंट है, यहाँ पर 7,000 का डिस्काउंट है, और यहाँ पर 11,000। तो मिनिमम रेट ऑफ डिस्काउंट कितनी बनेगी यहाँ पर, इसके बेस पर 4,000 के बेस पर तो टेंडर इस पर्सन को प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का फर्स्ट पार्ट था ट्रेजरी बिल। द अदर पार्ट ऑफ द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, कॉमर्शियल पेपर, कोर लोन, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कॉमर्शियल बिल, आई विल एक्सप्लेन इन माई नेक्स्ट वीडियो। आई होप इट्स क्लियर टू यू। Thanks. Have a nice day.